नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रिटर्न वाल का बीबीएस। तो चलिए शुरू करते हैं। रिटर्न वाल का बीबीएस शुरू करने से पहले हमको रिटर्न वाल की ड्राइंग रीड करना आनी चाहिए। तो सबसे पहले उसे देख लेते हैं कि रिटर्न वाल की ड्राइंग कैसे रीड की जाती है। आप देख सकते हैं मेरे पास में एक रिटर्न वाल का सेक्शन जो है वो दिख रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए, यहाँ पे कुछ डायमेंशन दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एच मैक्स दिया हुआ है, एच ई दिया हुआ है, एच थ्री दिया हुआ है, टी वन, टी टू, टी थ्री, टी फोर और बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फोर और बी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को कैसे पता चलेगी, तो इसके लिए कुछ सेक्शंस जो हैं ड्राइंग में दिए हुए रहते हैं, उनकी मदद से हम लोगों को एक सेक्शन ड्रॉ करना पड़ता है, एक रफ सेक्शन ड्रॉ करना पड़ता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एच मैक्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर बी बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फोर, टी वन, टी टू, टी थ्री, टी फोर सबकी वैल्यू दी हुई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर 2.5 मीटर की हाइट होगी तो उसके लिए क्या क्या डायमेंशंस दिए हुए हैं, सेम वैसे ही 4, 5, 6, 7, 8 और 9 मीटर के लिए सारे डायमेंशंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसमें आप देख के और फिर रिटर्न वाल का सेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने एक 6 मीटर का जो है सेक्शन लिया है और उसको मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 6 मीटर का सेक्शन लेके और यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो 550 है, ये 250 है, ये 400 है, ये 250 है। सो इस टाइप से कुछ यहाँ पे हाइट्स दी हुई, T1, T2, T3, T4 की वैल्यूज़। ये B1 की वैल्यू 1.5 है, B2 की वैल्यू 0.25 और फिर उसके बाद में 0.45 और 2.80। तो ये 0.25 एक्चुअली क्या है कि ये वो चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ड्राइंग में। देखिए यहाँ पे इस स्लोप का जो है, ये जो नीचे से जो पूरा वाल आ रहा है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे, यहाँ से तो ब्रैकेट चालू हो गया है लेकिन यहाँ से जो प्रोजेक्शन जा रहा है उसका वो कहाँ पे मैच होगा। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्शन मैच होगा तो यहाँ से लेके यहाँ की जो विड्थ है वो 250 है। फिर ये जो ब्रैकेट है हमारा 500 का होता है, तो अनदर अगर ये 250 है तो ये भी 250 बन जाएगा। फिर बाकी बचा हुआ ये हाइट, ये हाइट यहाँ पे 300 mm दिया हुआ है जो एक स्ट्रेट हाइट है। और फिर यहाँ से जो स्लोप वाला हाइट है उसका जो हाइट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 200 mm। तो ये कुछ इस टाइप से इसका जो है सेक्शन होता है। और वीपोल्स का अरेंजमेंट भी आप देख लीजिए, वीपोल का अरेंजमेंट किस टाइप से किया हुआ है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हुए हैं, आप इनको पढ़िए तो आपको यहाँ पे कुछ कवर कितना लेना है, क्या चीज़ लेनी है, सब समझ में आएगा। ये जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक कवर आपको दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कवर, ये तो इसमें कवर क्या दिया हुआ है आपको दिख रहा है, 75 mm तो है अदर फेस मींस स्टेम का अदर फेस, और सॉरी 75 mm फुटिंग में और स्टेम के अर्थ फेस में, और 40 mm का कवर दिया हुआ है स्टेम के अदर फेस में मींस आउटर फेस में, इसका कवर जो है 40 mm दिया हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से इसका सेक्शन है। यहाँ पे भी देखिए आप देख सकते हैं सेक्शन किस टाइप से, B1 ये जो टॉप से इसका प्लान दिखाया गया है, तो B1 यहाँ पे हो गया, B2 ये हो गया, B3 हो गया, B4 ये हो गया, और इसका पूरे का विड्थ जो हो गया उसको B कहा गया इसमें, और यहाँ पे बाकी सारी डिटेल्स दी हुई हैं। तो चलिए BBS बनाना इसका शुरू करते हैं। जिन लोगों ने एक्सेल शीट में कभी भी BBS जो है वो प्रिपेयर नहीं किया है, तो आप जाके पहले ऊपर जो लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करके और बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाते हैं उसका वीडियो देखिए, एक्सेल शीट में कैसे बनाते हैं उसका वीडियो देखिए, उसके बाद में अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आपने इससे पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लें, उसके बाद में आप ये देखें तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए जिसने देखा है उनके लिए हम शुरू करते हैं। अब देखिए हमारे पास में एक ड्राइंग तो ये है, और इसके लिए हमको देखिए अब ये एच मैक्स कहाँ से मिलेगा, हमको किस चीज़ की पहले तो BBS जो है प्रिपेयर करनी है और कौन सी रिटर्न वाल हम लोगों को बनानी है वो हम लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि मेरा एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में मेरी 2 रिटर्निंग वाल्स हैं, आप मेरे सामने देख सकते हैं, एक रिटर्निंग वाल यहाँ पे दी हुई है लेंथ में, माइनर ब्रिज में इस साइड में दी हुई है, एक इस साइड में दी हुई है। प्लान में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरा जो है एग्जिस्टिंग रोड है और इसको यहाँ से इधर एक्सटेंड किया गया है और यहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये तो एग्जिस्टिंग ब्रिज है और यहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इस साइड में हम लोगों को रिटर्निंग वाल ड्रॉ करनी है। तो एक रिटर्निंग वाल देखिए आप यहाँ पे दी हुई है, एक रिटर्निंग वाल यहाँ पे दी हुई है, 2 यहाँ पे रिटर्निंग वाल्स जो है दी हुई है। तो इसकी हाइट्स हम लोगों को निकालना है। अब देखिए यहाँ पे आप सेक्शन देखेंगे
तो यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे रिटेनिंग वाल आएगी और मुझे स्लेप टॉप तक जो है रिटेनिंग वाल बनानी पड़ेगी, उसके ऊपर क्रैश बैरियर आ जाएगा। तो स्लेप टॉप से लेके और अगर मेरी जो ड्राइंग है सॉरी अगर मेरी रिटेनिंग वाल यहाँ तक जा रही है तो यहाँ तक, या अगर कोई और क्राइटेरिया दिया गया है कि 2.5 मीटर आपको जो ग्राउंड लेवल है वहाँ से 2 मीटर नीचे या 2.5 मीटर नीचे जाना है, जो भी आपका क्राइटेरिया दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर आपको एक्सकर्शन करना है तो उस हिसाब से जाइए, नहीं तो जो आपका कंसल्टेंट कह रहा है उस हिसाब से जाइए। तो हमारे केस में क्या हुआ कि यहाँ पे हार्ड रॉक आ गई थी, तो हार्ड रॉक आने के केस में हम लोगों ने स्लेप टॉप तक ही, स्लेप टॉप से जो हम लोगों ने राफ्ट चालू की, तो यहाँ से ओनली PCC हम लोगों ने इतनी की है और उसके बाद में यहाँ से जो है हमारा स्ट्रक्चर जो है चालू हुआ है। तो हम लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस निकालना है, तो अब उसके लिए हम लोगों को पहले FRL मालूम होना चाहिए। अगर FRL मालूम होगा हम लोगों को तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं कि उसका जो है क्या आएगा विड्थ। अब चलिए शुरू करते हैं कि किस टाइप से क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी, हम लोगों को एच मैक्स चाहिए, तो एच मैक्स कैसे निकलेगी, तो इसमें हम लोगों को FRL यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोगों ने लिया है 473.231, जैसा कि आप लोग एक्सेल शीट में यहाँ पे देख सकते हैं। यदि मैंने कुछ BBS यहाँ पे बना रखा है, आपको पहले शेप्स ड्रॉ करना है, उसके बाद में आप बार मार्क लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, डाया लिखेंगे और स्पेसिंग लिखेंगे, उसके बाद में आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं और नंबर ऑफ बार्स कितने आ रहे हैं वो भी आप लोगों को लिखना है। तो कुछ इस टाइप से ये VBS बना हुआ है। ये देखिए मैंने यहाँ पे FRL लिखा है, मैंने कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए यहाँ पे डायरेक्टली जो है यहाँ पे डेटा बना रखा है और डेटा इंसर्ट करने के बाद ही मेरा अपने आप यहाँ पे हाइट निकल के आ जाता है। तो मैंने कुछ यहाँ पे फॉर्मूलाज जो है अप्लाई कर रखे हैं, तो आप जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी हाइट क्या आएगी। आप निकालिए FRL से, इतना मैं लंबा चौड़ा आपको नहीं बताऊँगा, आप खुद ही निकाल लीजिएगा और यहाँ पे आपकी एक्सेल शीट से मैच कर लीजिएगा कि आता है कि नहीं आता है। आप चाहे तो कैलकुलेटर का यूज़ भी कर सकते हैं, या आप मैंने लिंक दिया हुआ है नीचे BBS की एक्सेल शीट का, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ड्राइंग का भी लिंक मैंने दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर लीजिए और फिर ये सारा डेटा जो आप चेक कीजिए और हाइट निकालिए कि इसकी हाइट क्या आती है। मेरे केस में यहाँ पे आ रही है 5 मीटर 299 मीटर, मीन्स 5 मीटर 299 ये आ रही है मेरी। तो इसकी लेंथ यहाँ पे दी हुई है 5.032 और सेक्शन हम लोगों को अडोप्ट करना है, क्योंकि ये 5 मीटर से ज़्यादा हो गया है तो हम लोगों को 6 मीटर का सेक्शन यहाँ पे अडोप्ट करना है। तो इसलिए मैंने 6 मीटर का वो सेक्शन आपको दिखाया था जो यहाँ पे है, ये वाला मैंने 6 मीटर का सेक्शन यहाँ पे बना दिया है। अब हमको इसका BBS बनाना है, तो इसका बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना है हमको। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए देखिए यहाँ पे देख लीजिए बार मार्क 1 कौन सा है, ये देखिए ये बार मार्क 1 है और ये यहाँ से जा रहा है और ऐसे इस साइड में जा रहा है, ठीक है। बार मार्क 2 अल्टरनेट है, बार मार्क 2 ऊपर तक जा रहा है पूरा, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये ऊपर यहाँ पे ऐसे जा रहा है और ये आके और इधर मुड़ रहा है, ठीक है। फिर आता है बार मार्क 3, बार मार्क 3 भी अगर आप देखेंगे तो बार मार्क 3 आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये राफ्ट का टॉप मेन बार है, ये देखिए 3 प्लस फिर 4, तो ये अल्टरनेशन में अल्टरनेट है, क्योंकि एक तो जो है यहाँ तक ही आ रहा है इसलिए ये अल्टरनेट हो गया है। अब जैसे देखिए ये वाला हो गया, तो ये वाला अल्टरनेट, एक हम लोगों को 2 नंबर बार मार्क, फिर उसके बीच में 1 फिर 2 1 ऐसे करके लगाना है जैसा इसमें दिया हुआ है उस टाइप से। तो कुछ इस टाइप से जो है ये सारी चीज़ें होगी। तो मैं यहाँ पे हर एक बार मार्क लिखते जाता हूँ, एक एक जैसे मैंने टाइप किया हुआ है तो मैं आपको बताते जाता हूँ। सबसे पहला बार मार्क आता है बार मार्क फर्स्ट और उसका शेप हो गया ये इस टाइप से। तो इसका ये वाला हाइट मुझे निकालना है, ये वाला हाइट क्या आएगा। ड्राइंग में सारा डेटा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ड्राइंग में क्या क्या चीज़ दी हुई है। LD3 की वैल्यू हम लोगों को नीचे से देखनी पड़ेगी, यहाँ पे LD3 की वैल्यू दी हुई है। LD3 की वैल्यू आप देख लीजिए कितनी दी हुई है, LD3 की वैल्यू दी हुई है 792 mm 6 मीटर के केस में। तो 792 मीटर अगर दी हुई है तो हम लोगों को 792 मीटर यहाँ पे लेना है। तो ये इसमें 792, अब ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है। अब यहाँ से आप शीट में आप देख देख के अगर करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें हो रही है। अब देखिए W9 की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल रखी है, W9 की वैल्यू ये देखिए आप यहाँ पे निकाल रखी है मैंने, कैसे निकाल रखी है आप चेक कीजिए उसको। और मैं आपको बस सीधे ड्राइंग में बता रहा हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे कि कैसे होगा। तो
ये देखिए LD3 की वैल्यू हमको 792 mm दी हुई है, मीन्स हमको मिड हाइट से 792 mm ऊपर जाना है। तो मिड हाइट क्या होगी, एच मैक्स डिवाइडेड बाई टू हमारी मिड हाइट हो जाएगी। तो मिड हाइट से 792 ऊपर जाना है, तो एच मैक्स डिवाइडेड बाई टू करके उसमें से 75 mm माइनस करके, और उसके अलावा जो भी अदर थिंग्स माइनस हो रही है या कोई बाइंडर है वो माइनस हो रहा है वो भी माइनस करके, और एक हाइट निकल के आएगी। तो वो क्या आएगी, वो ये आएगी जो आप मेरे सामने देख रहे हैं। अगर ये नहीं भी आती है आपकी, इसके लगभग भी आती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है मेरी कैलकुलेशंस मिस्टेक हो, या हो सकता है आपकी कैलकुलेशंस मिस्टेक हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर इसके आसपास आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। उतना वेरिएशन चलता है, 50-60 mm का वेरिएशन चल जाता है, ठीक है। चीज़ें एग्जैक्ट निकालना चाहिए लेकिन चल जाता है। अब उसके अलावा देखिए 1.681 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 1.681 ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो कैसे लिख रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरी जो B1 और B2 थी, सॉरी B2 और B3 जो थी, वो था एक था 250 mm और एक था 450 mm। तो वो प्लस LD1 हमारी देखेंगे यहाँ पे क्या दी हुई है। LD1 यहाँ पे नीचे जाके हम लोग देखते हैं, LD1 दिया हुआ है 1056 mm। तो इन सब में इसको और 450 और 250 इन सबको जोड़ेंगे और उसमें से 75 mm माइनस करेंगे, तो 1.681 हमारे यहाँ पे इसकी लेंथ निकल के आएगी। तो पहला जो है इसका डायमेंशन हमने लिख लिया। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले शेप ड्रॉ करना है, उसके बाद में इसके डायमेंशंस लिखना है। लेकिन उससे पहले ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में आपको डायमेंशंस ही लिखने रहेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप डायरेक्टली यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो आपके डायमेंशंस निकल के अपने आप यहाँ पे आ जाएंगे। ये फार्मूलाज मैंने कुछ बना रखे हैं, आप चाहें तो इनको चेक कर सकते हैं या चाहें तो यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू आ रही है वो लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। तो आपका यहाँ पे कटिंग लेंथ का कैलकुलेशन होगा और जो आपकी वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, और फिर जो यहाँ पे लिखी हुई है वो सेम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। तो उसके बाद में दूसरी डिटेल आती है, ये भी डिटेल ईजी है। ये स्लोप में है तो इसका स्लोप में आप लेंथ निकाल लीजिए क्या आता है। ये 150 ऊपर में एल दिया हुआ है, कहाँ तक दिया हुआ है ये भी हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से 300 mm हाइट पे 150 का एल है, मीन्स आपकी जो हाइट आ रही है एच मैक्स में आपको 300 mm जोड़ना है इधर में, और नीचे में से आपको 75 mm कवर माइनस करना है। और उसके बाद में ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका जो हाइट आ रहा है वो हाइट इनटू जो आपका हाइपोटेनस निकालने के लिए जो आपका बेस और आपका हाइट आ रहा है उसका यूज़ करके आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के और इस जो लेंथ है उसको निकाल सकते हैं। और ये था हमारा दूसरा बार मार्क, और उसके बाद में आता है थर्ड नंबर का आता है टॉप में। तो टॉप का बार मार्क किस टाइप से बना हुआ है वो आप देख सकते हैं मेरे सामने, बार मार्क नंबर 3 इस टाइप से बना हुआ है 1056, जो हमारी LD2 है, आई थिंक LD2, ठीक है LD2 हमारी 1056 mm दी हुई है। ये देखिए यहाँ पे LD2 आपको दिख रही होगी ये वाली, तो ये हमारी 1056 दी हुई है। यहाँ से लेके ऐसे जाके और फिर ऐसे जाके और ये बार आ रहा है, पर अभी दिक्कत क्या होती है, हल्का सा बेंट मुड़ता नहीं है। और आप यहाँ पे जैसे मैं आपको ये सेक्शन बताता हूँ इसमें देखिए ये वाली हाइट नीचे है और ये वाली हाइट ऊपर है, तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली यहाँ से लेके और यहाँ तक जो भी हमारा कवर माइनस करने के बाद में जो स्लोप होता है वो इमेजिन करके हम लोग निकालते हैं। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रायंगल बना के और उस पर पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई की। अब जैसे 550 mm है, तो अगर ये पूरा कवर नीचे जाएगा तो जो हाइट 500 mm इसकी भी हुई है सेम वही 550 उसकी भी आएगी। तो 500 mm हमारी जो है कहें कि जो हमारा एल्टीट्यूड है या कहें कि हाइट है वो कांस्टेंट रहेगी। उसके अलावा हम लोगों को ये 250 450 और 2.8 mm जोड़ना है, और उसमें से 75 mm कवर इधर से माइनस करना है, 40 mm कवर इधर से माइनस करना है, तो हमारा बेस निकल जाएगा। बेस और हमारे पास में हाइट है और बेस है, हम लोग हाइपोटेनस इजीली निकाल सकते हैं। आएगा हमारा लगभग 3430 के आसपास हमारा हाइपोटेनस निकल के आ जाएगा, मीन्स ये लेंथ निकल के आ जाएगी। और ये आप 100 mm का एल ले लीजिए, यहाँ पे आई थिंक दिया हुआ नहीं है, मेरे हिसाब से 100 mm का एल नहीं दिया हुआ है लेकिन हम लोगों ने 100 mm उसको ले लिया है। 250 में से हम लोग 75 mm को माइनस करेंगे तो उसका 100 mm बचा हुआ एल निकल के आ जाता है। तो ये थर्ड शेप ड्रॉ हो गया। उसके बाद में फोर्थ शेप भी सेम वैसा ही है, इस साइड का हम लोगों को पता है और इस साइड का हम इजीली निकाल सकते हैं। और उसके बाद में आता है राफ्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। राफ्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार आप लोग निकालने के लिए
सीधा हिसाब से लेंथ में से जो भी आपकी राफ्ट की लेंथ है उसमें से आप लोग 75 75 mm को माइनस कर लीजिए, आपका राफ्ट का लेंथ निकल के उसका राफ्ट के बार का डिस्ट्रीब्यूशन का निकल के और आ जाएगा। सेम सिक्स भी उसी हिसाब से है। ये देखिए राफ्ट बॉटम मेन बार है, राफ्ट बॉटम मेन बार है, आपको पता है 5 मीटर उसकी विड्थ है। बी की वैल्यू जो है आप जो सब चीज़ों को जोड़ के देखिए या बी की वैल्यू नीचे टेबल में दी हुई है ड्रॉइंग में उसमें देखेंगे तो 5 मीटर है। 5 मीटर में से 75 mm 75 mm में कवर दोनों तरफ से माइनस करता हूँ तो 150 mm माइनस होता है, तो 4.850 मीटर यहाँ पे मेरी यहाँ पे लेंथ आती है। ठीक है, उसके बाद में आता है राफ्ट बॉटम कटर बाल। अब यहाँ पे राफ्ट बॉटम कटर बार किस टाइप से दिया हुआ है आप देख सकते हैं, 6 mm में आपको बार बताता हूँ किस टाइप से दिया हुआ है। ये देखिए 6 mm का ये बार है और ये यहाँ पे देखेंगे आप तो कहाँ तक जा रहा है आपको पता चलेगा। ये देखिए 6 है, 6 mm तो 6 वाला बार मार्क तो हमारा हो गया है राफ्ट बॉटम मेन बार। राफ्ट बॉटम कर्टल बार, तो कर्टल बार किस टाइप से है वो देखेंगे आप। 6 है, 6 है यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से LD4, इस कॉर्नर से LD4 हमारी डेवलपमेंट लेंथ, या यहाँ कहें कि यहाँ से हमारी LD4 डेवलपमेंट लेंथ यहाँ से दी हुई है। तो कितना एक्सटेंड हो रहा है उसमें आप B1 जोड़ेंगे, B2 जोड़ेंगे, B3 जोड़ेंगे प्लस LD4 जोड़ेंगे, 75 mm को और इधर से माइनस करेंगे तो आपका जो भी वैल्यू होगा निकल के उसका आ जाएगा। और हमने यहाँ पे निकाल के और उसको रख रखा है, आप लोग ट्राई कीजिए आपको पता चल जाएगा। फिर आता है राफ्ट बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार। राफ्ट बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार भी ईजी है निकालना, जैसे ऊपर का निकाला है सेम वैसे ही नीचे का भी निकाला जाएगा। उसके बाद में आएगा वाल वर्टिकल मेन बार। वाल वर्टिकल मेन बार कौन सा है ये देखिए आप देख सकते हैं, 8 नंबर बार यहाँ पे दिया हुआ है, 8 नंबर वाल वर्टिकल मेन बार भी है, यहाँ से लेके और यहाँ तक जा रहा है। आपको सारे स्टेप्स जो है देखिए, पहले तो आपको ड्राइंग में दिखना देखना पड़ेगा कि सारे स्टेप्स जो आपको दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू दिस शेप्स, जो आपको ये सारे शेप्स जो है वहाँ पे ड्रॉ कर लेने हैं और उस हिसाब से आपको बस यहाँ पे देख के शेप ड्रॉ कीजिए और वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिखिए, सारी चीज़ें वहाँ पे लिख लीजिए जो हमारे अलग अलग सेक्शन के केस में दी हुई है, हमारा कौन सा सेक्शन आ रहा है उस हिसाब से आप लोग लिख लीजिए। तो ये देखिए 8 सेक्शन का यहाँ पे शेप दिया हुआ है, उस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है और ये यहाँ पे दिया हुआ है। ये भी सिंपल ही है, ये इतना ऊंचे से दिया हुआ है लेकिन इतना ऊंचे से नहीं लेना है, वो बस हमको दिखाने के लिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरा कंजेस्टेड हो गया है ड्रॉइंग। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे पता नहीं चलता है कि ये एल यहाँ पे दिया हुआ भी है कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पे इसको इतना ऊंचा दिखाया गया है। तो आपको यहाँ नीचे से लेना है बॉटम में से, तो आपको जो भी आपकी एच मैक्स आ रही है उसमें 300 mm प्लस करके और नीचे से 75 mm माइनस कर देना है और जो भी हाइट आती है वो आपकी यहाँ पे ये लेंथ हो जाएगी। तो मेरा यहाँ पे आता है 5.499 mm। उसी हिसाब से वाल डिस्ट्रीब्यूशन बार भी ईजी है निकालना, जैसे हम लोगों ने राफ्ट का निकाला है, क्योंकि ये लेंथ ही अलग है, बस 75 75 mm कवर हम लोगों को माइनस करना है और कुछ नहीं करना है इसमें से। तो वाल डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों साइड में आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका अरेंजमेंट क्या है वो देखते हैं बस। अब यहाँ पे 9A यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये 9 दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, ये 9A इधर दिया हुआ है और 10A इधर दिया हुआ है। तो 9 और 9A इन दोनों का यहाँ पे डाया अलग है, बार का डाया अलग है और 10 और 10A का आई थिंक जो है डाया अलग है, 9 और 10 या 9A और 10A होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। यहाँ पे किस टाइप से है ये देखेंगे आप, हाँ 9 और 10 और 9A और 10A, तो 9 और 10 इन दोनों का डाया सेम है और 9A 10A दोनों का डाया सेम है। अब ये कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ से लेके मिड हाइट तक पहले ये बार आएगा, फिर मिड हाइट से लेके यहाँ तक ये बार आएगा। सेम इधर भी इस टाइप से कुछ अरेंजमेंट दिया हुआ है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, आप इजीली निकाल सकते हैं इसको, नंबर ऑफ बार्स जो है कैसे निकलेंगे वो इजीली निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप लिंक बार इन स्टेम, स्टेम में कोई लिंक बार नहीं है, लिंक बार जो है ओनली हिल पोर्शन में है। तो हिल पोर्शन में लिंक बार किस टाइप से दिया हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है लिंक बार हिल पोर्शन में, यहाँ से लेके और यहाँ तक क्या लेंथ है यहाँ पे L3 लेंथ क्या दी हुई है वो यहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी पहले कि किस लेंथ तक आपको लिंक बार लगाना है। तो यहाँ पे L3 शो नहीं कर रखा है, सॉरी ये हमारा ये हो गया हील पोर्शन, तो ये हील पोर्शन हो गया ओके, तो ये हील पोर्शन हो गया। हील फोर में हमको L2 लेंथ में जाना है, तो L2 जाना है, तो L2 दी हुई है हमारी 600 mm, तो 600 mm हमारी L2 दी हुई, तो 600 mm तक हमको
लगाना है। तो 600 mm में कितने नंबर आप लिंक बार्स आएंगे वो हम लोगों को देखना है, सबसे लास्ट वाला किस पे आएगा। 600 mm से आगे भी निकल सकता है स्पेसिंग के हिसाब से। तो इसकी स्पेसिंग क्या दी हुई है वो देखना है हम लोगों को। स्पेसिंग दी हुई 150 mm, तो 150 mm अगर हम लोग देखें 600 डिवाइडेड बाय 150, तो ये आती है 4 मीन्स 5 रोज़, ऐसी 5 रोज़ आएगी। और ये देखिए आप देख सकते हैं कि वेरी में आएगा अलग अलग लिंक बार, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक क्या वेरिएशन आ रहा है वो आप इजीली निकाल सकते हैं। 600 mm पे क्या वेरिएशन आ रहा है वो आप कंपेरिजन करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ से लेके और यहाँ पे एक, अब यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रेंगल बनाएंगे। ट्रेंगल बनाने के बाद में फिर यहाँ पे आपको 600 mm पे क्या हाइट आ रही है अपने आप मिल जाएगी। यहाँ से यहाँ पूरी अगर हाइट आपको मिल गई यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसको नीचे तक 250 भी जोड़ के और फिर ऊपर से 75 mm माइनस करके, नीचे भी 75 mm माइनस करके क्या हाइट आ रही लिंक बार की, पहली वाली और लास्ट वाली दोनों आपको निकाल लेना है। और उस हिसाब से फिर आपको लिंक बार यहाँ पे लिख देना है कि आपका क्या आ रहा है। जैसे मेरा आ रहा है 516 से 430 का वेरिएशन आ रहा है, 75 mm का एल जो है स्टैंडर्ड रहता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और उसके बाद में आता है क्रैश बैरियर। क्रैश बैरियर में आप देख सकते हैं ये वाला तो आपको दिख ही रहा होगा किस टाइप से 1028 यहाँ पे जिस तरीके से लिख रखा है, यहाँ पे 915 mm का क्रैश बैरियर है। तो इसमें प्लस 100 mm बढ़ाया है, कितना बढ़ाया है कुछ 100 mm के आसपास ही बढ़ाया है, और उसको यहाँ पे करके और यहाँ पे लिख दिया है उसको। और ये हो गया उसका आउटर वाला बार, और ये हो गया इनर वाला बार। इनर वाला बार वहाँ पे जो हमारे माइनर बीस के केस में था वो कुछ अलग टाइप से था, हम लोगों को यहाँ पे इस टाइप से ऐसे बनाना है। फिर यहाँ पे ब्रैकेट का बार और क्रैश बैरियर का बार दोनों एक जैसा हो जाएगा, उस टाइप से यहाँ पे ये शेप बनेगा। तो ब्रैकेट का भी हम लोगों ने वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे निकलती है उसकी कटिंग लेंथ, तो ये वाली लेंथ आपको कैसे निकालना है आप वो वाला वीडियो देखेंगे, ऊपर आपके पास में लिंक आ रहा है आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से है, ठीक है। और तो क्रैश बैरियर का भी ईजी है, सेम वैसे ही आपको जैसे वो शिफ्ट निकालनी है, जैसे आपको ब्रैकेट में बनाई हुई है शिफ्ट वो निकालनी है, सेम वैसा ही आप इसमें निकाल लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से रिटर्न वाल का BBS था। अब देखिए नंबर आप बार से आप इजीली निकाल सकते हैं। ये देखिए जो मैं बोल रहा था 1 और 2 अल्टरनेट थे, तो एक जो है बार जो है वो कम आएगा इस वाले में, क्योंकि ये बीच में से शुरू होगा, मीन्स इसके बाद में ये शुरू होगा, तो सबसे आउटर में ये वाला बार रहेगा, उसके बाद में ये वाला बार रहेगा, तो एक नंबर इसमें कम आएगा। और नंबर्स भी आप लोग इजीली निकाल सकते हैं, सारे नंबर्स जो है एक जैसे आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा रखा है। आप देख सकते हैं किस टाइप से मैंने फॉर्मूला लगा रखा है, और उसी टाइप से आप यहाँ पे सारी चीज़ें जो है निकाल सकते हैं इजीली किस टाइप से निकली हुई है। मैंने एक निकाला, बाकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सब में फॉर्मूला लगा दिया है, जिस जिस चीज़ में अलग अलग चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है या नंबर ऑफ बार्स जो है अलग टाइप से निकाले हैं उनमें अलग अलग चीज़ें हम लोगों ने निकाल के और यहाँ पे पुटअप कर दी वैल्यू। तो कटिंग लेंथ निकालना भी इजी है, आपके पास में सारा डेटा है, तो आपके पास में अब नंबर ऑफ बैंड्स कितने हैं वो देख के आप लोग कटिंग लेंथ इजीली निकाल सकते हैं। कटिंग लेंथ का फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ है, और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको ये शीट समझ में नहीं आ रही है तो आप पहले वो वीडियो देखिए कि बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाया जाता है, लिंक जो है पहले आ चुका है वीडियो में, डबल बार नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको डबल बार यहाँ पर लिंक नहीं दिखा सकता। तो आप पहले हाउ टू मेक बार बेंडिंग शेड्यूल इन एक्सेल वो आपको सीखना पड़ेगा। तो ये कुछ इस टाइप से फॉर्मूला होता है, और कटिंग लेंथ आपकी एक बैंड, ये देखिए वो 11 एक बैंड डालेंगे। यहाँ पे मैंने सारे नंबर ऑफ बैंड्स कितने हैं डाल रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 है तो मैंने यहाँ पे 2 वैल्यू लिख रखी है, यहाँ पे एक बैंड है तो एक बैंड लिख रखा है। देखिए बैंड अगर एंगल ग्रेटर होता है तो वहाँ पे कटिंग लेंथ का वेरिएशन जो है बिल्कुल ना के बराबर होता है, इसलिए उसको मैंने यहाँ पे नहीं लिया है। जो हमारा 90 डिग्री या उससे कम या उसके आसपास का जो बैंड होता है उसमें जो है हम लोगों को बैंड घटाना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे 2 बैंड्स बन रहे हैं, यहाँ पे 2 बैंड्स, सारा मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है, आप फॉर्मूलाज देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा इजीली। और उसके बाद में टोटल लेंथ कैसे निकालना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे अपन के और जे का, तो इसका टोटल लेंथ निकल के आ जाएगा। और टोटल वेट कैसे निकालना है उसका फॉर्मूला ये है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि 8 mm का पर मीटर कितना होता है, 0.395 kg पर मीटर होता है, 10 mm का 0.617 होता है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला कुछ इस टाइप से बना रखा है, और उसके बाद में इजीली जो है आप लोग वेट निकाल सकते हैं। तो ये था रिटर्न वाला का BBS, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सामने लोगो आ रहा है आपके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और देखते रहिए सिविल ज्ञान। धन्यवाद।